आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास। देखिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमने कोई दो पॉइंट कंसीडर किए, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके पास उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर उसको बी पर ले आएंगे तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो जाएगी, क्योंकि जैसे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, पोजीशन की वजह से। जैसे ही चेंज होगी पोजीशन तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया ये किसकी वजह से आया, चार्ज तो वही है, चार्ज तो वही है, तो फिर चेंज किसकी वजह से है, चेंज है लोकेशंस की वजह से। अगर आप लोकेशन चेंज ना करते, उसको ए पर ही रखते, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आना था। आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी, लोकेशन चेंज कर दी, तो एक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। अब जब आपने इसको ए से बी तक मूव कराया, पोजीशन चेंज की, आपको फोर्स लगानी पड़ी, बिना फोर्स के तो आप चार्ज को मूव करा नहीं पाओगे। आपने फोर्स लगाई, मूवमेंट हुआ ए से बी तक, और जब डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, फोर्स भी लग गई, तो फिर वहां पर क्या हो गया, वर्क डन हो गया। यहां तक तो आपको ये बात आपने किया है, ये कंसेप्ट कि वहां पर क्या होगा, वर्क डन होगा। और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, जितना चेंज आया है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो ये भी लिख लेना है, आप देख लीजिए। तो क्या लिखेंगे हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहां एनर्जी यू ए थी पोटेंशियल, यहां एनर्जी यू बी थी, तो चेंज को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा यू। फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल लेंगे, किसके इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है। और वर्क डन कौन सा, जो फोर्स ने किया है चार्ज को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो फिर क्या लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं जो चेंज है एनर्जी का, ये इक्वल है वर्क डन के। क्या वर्क डन, जब पॉइंट को ए से कहां तक बी कराया, ए से कहां तक, बी तक आपने मूव कराया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। ऑल्सो चेंज को क्या लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जहां पॉइंट अब आया है, माइनस जहां से पॉइंट चला था, ये भी किसके इक्वल, डब्ल्यू ए बी के इक्वल, वर्क डन के इक्वल आएगा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब देखिए, पोटेंशियल वर्ड जो है वो स्ट्रेंथ को बताता है, लोकेशन बताता है कि इस पॉइंट पर, इस लोकेशन पर कितनी स्ट्रेंथ है फील्ड की, दूसरे पॉइंट पर उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी। ये चीज ध्यान रहे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वेक्टर क्वांटिटी में जब रिप्रेजेंट करते हो तो ई का सहारा लेते हो उस कंसेप्ट को, लेकिन जब उसको स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जो स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पोटेंशियल का मीनिंग है लोकेशन। यहाँ स्ट्रेंथ दिखाएंगे इस पॉइंट पे, तो स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, स्केलर है। यहाँ इस पॉइंट पे अलग स्ट्रेंथ दिखाएंगे, तो ये ध्यान रखना कि अलग अलग एनर्जी की वजह से स्ट्रेंथ भी अलग अलग हो जाएगी, और स्ट्रेंथ अलग होगी तो यहाँ एनर्जी में चेंज आया तो वहां पर स्ट्रेंथ में भी चेंज आया होगा, और स्ट्रेंथ से हमारा मीनिंग क्या है, पोटेंशियल। ऐसे कहते हैं ना, कोई एथलीट होता है तो ये पूछा जाता है भी इसका कितना पोटेंशियल है इस एथलीट के अंदर, ये कितनी रनिंग कर सकता है, कितना वर्कआउट कर सकता है, तो वो पोटेंशियल क्या है उसकी, स्ट्रेंथ।
किसके अंदर इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो जब एनर्जी अलग अलग चेंज हुई है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज है, तो फिर स्ट्रेंथ भी चेंज होगी, यानी कि पोटेंशियल भी चेंज होगा, उसको कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जितना वर्कडन आपने कराया है किसके ऊपर, एक चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है ना। एक चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्कडन लगा वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका पोटेंशियल। पहले भी की हमने ये सारी चीजें, तो लिख लीजिए फिर। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, 10th क्लास में आपने किया, और डिफरेंस के लिए हमने क्या लगा दिया डेल्टा, बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में, कौन से दो पॉइंट्स, ए एंड बी, कहां है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोड। हम टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं क्यू नोड को फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कहां से कहां मूव करा रहे हैं, ए से बी तक मूव करा रहे हैं, कीपिंग द चार्ज इक्विलिब्रियम। ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग है कि जो मोशन आपका यहाँ हो रहा है वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि जो चार्ज को आप मूव करा रहे हैं उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, वो आपको वहां पर कंजर्वेशन लॉ फॉलो करने हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का क्या हुआ कि जितना वर्क डन एक चार्ज के ऊपर आपको करना पड़ा क्यू नोट चार्ज के, उसको दो पोजिशनों से क्या कराने के लिए, मूव कराने के लिए। तो डेल्टा वी किसके इक्वल, डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही वी बी माइनस वी ए, और ये आपने किसके इक्वल बोला भी, वर्क डन ए से बी तक मूव कराने पे और बाय चार्ज, ठीक है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डब्ल्यू ए भी किसके इक्वल है, डेल्टा यू बाय क्यू नोट, तो यहां से आपके पास डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, क्यू नोट डेल्टा वी, एक रिलेशन ये भी आ गया आपके पास किस किस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इक्वल में पोटेंशियल का चेंज इनटू में चार्ज। कि अगर आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो आप ये देख सकते हो कि स्ट्रेंथ में कितना चेंज आया होगा, तो साथ में आप चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, तो उस चार्ज का वो क्या बता देगा आपको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता देगा। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बेस पे ये तो डेफिनेशन किसकी आई, पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो हम इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर देंगे। रेफरेंस का मीनिंग जिसके विद रिस्पेक्ट ली जाती है चीजें, तो हम मान लेते हैं वो रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी मानेंगे, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो क्यों होगी, क्योंकि अगर कोई चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है तो वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको उस चार्ज से इंफिनिटी डिस्टेंस पर भी मिले। इतनी दूर तक तो फील्ड हो नहीं सकती ना, इंफिनिटी तक तो इंफिनिटी पे अगर जब फील्ड ही नहीं है तो इंफिनिटी पे फिर पोटेंशियल कहां से आ जाएगा, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने जो पॉइंट लिया वो क्या लिया, एक और रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो यही चेंज कर लेते हैं, देखिए लेट ए
इज एट इंफिनिटी, ए जो है वो इंफिनिटी पे है। अगर ए इंफिनिटी पे है तो दैट इज वी ए क्या हो गया, जीरो। पोटेंशियल इंफिनिटी पे क्या हो गया, जीरो। अगर ये जीरो हो गया आपके पास तो ये क्या खत्म, तो फिर एक इक्वेशन कैसे बनेगी, ये इक्वेशन आएगी आपके पास वी बी माइनस जीरो डब्लू। ए से बी तक जा रहे थे, अब ए की जगह तो आप इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी तक बी तक आने में अपन में क्यू नॉट, ठीक है। अब अकेला सिंबल देके क्या फायदा, पहले तो ए था तो बी दे दिया, अब खाली बी का क्या करना है, तो इनको हटा देते हैं सबस्क्रिप्ट्स को, तो और क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू डब्लू बाय क्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बनेगी हमारे पास, देख लीजिए वो लिख लीजिए, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वर्क डन, इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख दीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आने के लिए, लेकिन क्या चेंज नहीं करनी, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करनी, यानी कि जो सिस्टम है वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसका मीनिंग क्या होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, वही सेम चीज जो आपको यहां बताई गई, ठीक है। तो और इसके बारे में क्या है, पोटेंशियल क्या हुआ, फिर वर्क पे डिपेंड है स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या होंगी इसकी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वैसे तो यूनिट क्या बनती है, जूल पर कूलाम, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो क्या बनी, जूल पर कूलाम, लेकिन आप इसको बोलते क्या हो, वोल्ट, जो आप अब तक पढ़ते आए हो वो क्या है, वोल्ट। ये ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होगी स्टैट वोल्ट, वो स्टैट वोल्ट के इक्वल होती है, और आपको याद रहे, अगर रिलेशन आपको याद रखना है तो वन स्टैट वोल्ट इक्वल होती है 300 वोल्ट, नियरली 300 है ये, अदरवाइज 299 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये इनके बीच का क्या है, रिलेशन है आपके पास जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास। इसके बाद एक आर्टिकल है वो हम कर लेते हैं सीधा, कि अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालना आ जाए किसी सोर्स चार्ज की वजह से तो क्या होगा, देख लीजिए, हेडिंग आपकी पोटेंशियल एट अ पॉइंट
due to a source charge, electric potential at a point due to सोर्स चार्ज, पहले भी बात की है हमने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है उसे सोर्स चार्ज बोलते हैं और जो उस फील्ड को एक्सपीरियंस करता है उसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो कोई पॉइंट है यहाँ पे Q जो है हमने सोर्स चार्ज मान लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने इस तरफ मान ली, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब किसी पॉइंट पे निकालना, तो मान लेते हैं यहाँ वो पॉइंट ए है जिसका डिस्टेंस स्मॉल आर है Q से, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पहले लिख लीजिए Q इज अ चार्ज, Q इज द सोर्स चार्ज एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू, जिसका डिस्टेंस कितना है आर है इससे क्यू से। देखिए अब एक पॉइंट और मान लेते हैं, पहले इसका हम देखना चाहेंगे भी कितनी एक्सपीरियंस, कितनी दूर तक इसका इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए तो आपको दूसरा चार्ज लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई एक्सपीरियंस फील करने वाला नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा क्या है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो हमने कोई पॉइंट पी मान लिया यहाँ पर और उस पर एक टेस्ट चार्ज मान लिया स्मॉल क्यू, जिस पे हम चार्ज चेक करने वाले हैं, पोटेंशियल चेक करने वाले हैं, और उस P का डिस्टेंस मान लिया हमने कितना है x है किससे q से। लिख लीजिए पहले कि लेट देयर इज अ पॉइंट P, लेट देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x वेयर टेस्ट चार्ज क्यू इज प्लेस, जहां पर टेस्ट चार्ज क्यू जो है वो प्लेस किया गया है। ठीक है, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, ये सोर्स चार्ज, ये उस पर क्या, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कूलम्ब फोर्स होगी दोनों के बीच में। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितनी होगी, देखिए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितनी हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग, देखो F इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ दोनों चार्ज Q स्मॉल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x का स्क्वायर, ये तो होता है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, दोनों का मैग्नीट्यूड, और ये आ गई आपके पास फोर्स। अब क्या करना है हमें, जैसा कि पोटेंशियल में करते ही आप मूवमेंट कराओगे चार्ज की, इस स्मॉल चार्ज को हम इस तरफ मूवमेंट कराएंगे इधर, लेकिन इक्विलिब्रियम में रखना है सारी चीजों को, डेफिनेशन में भी आपने किया है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स चेंज ना हो और इसको हम मूवमेंट भी करा दें, तो आप कहोगे ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चीज को मूव करा रहे हो तो उस पर फोर्स तो लगेगी, चेंज तो होगी, पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशंस पहले भी आई है आपके पास, तो हम ऐसे केसेस में कैलकुलस मेथड यूज करते हैं। कैसे, हम ये कहेंगे कि हमने इस क्यू चार्ज को बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस चलाया dx, इतना थोड़ा कि जो चेंज है फोर्स में वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, वो पॉसिबल है कि डिस्टेंस ही बहुत माइनर था, तो जब माइनर डिस्टेंस लिया हमने तो वो माइनर माइनर ऐड करते करते हम पॉइंट को वहां ले गए जहां लेके जाना था हमें। तो फिर आप कैलकुलस में क्या करते हो, उन सारे माइनर डिस्टेंसेस को क्या कर लेते हो, टोटल कर लेते हो। ये तो है कैलकुलस मेथड का बेनिफिट हमारे पास। तो हम ये कहेंगे
कि इस चार्ज को हमने थोड़ा सा मूव कराया, तो देखिए हम क्या आएगा फिर, अब मूव कराएंगे थोड़ा सा तो फोर्स जो है और वर्क डन भी होगा, तो वो हम यहां लिख लेते हैं। देखिए टू मूव इट थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल डिस्टेंस dx, कितना वर्क डन हुआ, द वर्क डन, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वो भी स्मॉल होगा, dw किसके इक्वल, f डॉट dx, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन जो भी बाद में टोटल करेंगे हम इसको, डॉट हटाएंगे तो थीटा किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज को फोर्स किस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो क्या हो गई, एंटी पैरेलल, तो एंगल क्या होगा 180, cos 180 की वैल्यू -1 माइनस बाहर आ गया, f dx, क्लियर है यहां तक, वैल्यू पुट करते हैं, देखिए f की वैल्यू यहां से पुट करिए, टोटल वर्क डन अब हमें करना है w किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां तक, तो मान लेते हैं कि दूर इंफिनिटी पे कोई पॉइंट था और उसको हम कहां तक लेके आए, a पॉइंट तक लेके आए, क्योंकि पोटेंशियल आपको यहां का निकालना है, a पॉइंट का डिस्टेंस कितना r, तो अगर किसी पॉइंट चार्ज को हम इंफिनिटी से कहां ले आए, a पे लेके आए, तो ये देखेंगे कि कितना वर्क हुआ है वहां पर, वही क्या देगा, पोटेंशियल देगा, तो इंफिनिटी से r डिस्टेंस तक लेके आए हैं हम, और फिर वर्क डन चेक करेंगे, तो इस पॉइंट पर आने के बाद ही तो पता चलेगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस लोकेशन पर आने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वही बताएगा हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये देखिए लिमिट्स हमारे पास आ गई, वहां लगाते हैं लिमिट्स, कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए, जो कॉन्स्टेंट है दोनों q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x स्क्वायर और dx अंदर रहेंगे, dx अपॉन में x स्क्वायर r इनफिनिटी, 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पता होना चाहिए आपको कि इंटीग्रेशन करना है 1 बाय x स्क्वायर का, ऊपर ले आओ तो x की पावर -2, क्या करते हो इंटीग्रेशन में, जितनी पावर हो उसमें एक ऐड कर देते हैं और जो भी आएगा सॉल्व करके उसको नीचे लिख देते हैं, -2 में +1 माइनस का 1 उसको आप नीचे लिख देते हो, ये होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, पावर को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है इंटीग्रेशन की, कि जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो पावर में और जो रिजल्टेंट पावर बनेगी उसको नीचे ले आओ, तो ऊपर कितनी रह गई x की पावर -1 और नीचे -1 है, ये -1 तो माइनस का साइन आ गया और x की पावर -1 को क्या लिख सकते हो 1/x, याद रहे ये 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया जो मैं यहां वैल्यू पुट करने वाला हूं, देखिए -qq 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आया -1/x क्लोज ब्रैकेट अपर लिमिट r लोअर लिमिट इंफिनिटी, ऐसे लिखते हो आप, और जब पुट करते हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस माइनस से इस माइनस के साइन को खत्म कर देते हैं, हो गया खत्म, अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞ किसके इक्वल होगा, समथिंग बाय इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म क्या हो गई 0, तो जो फॉर्मूला बचा हमारे पास वर्क का वो क्या आया वहां से, qq अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर, तो ये आया आपके पास। निकालना क्या है पोटेंशियल, क्या करते हैं, किसके कुल होता है, जिस चार्ज को मूव कराया है उस पे वर्क निकाला जाता है। इन दोनों में से मूव किसको कराया जा रहा है, क्यू को, तो क्यू को कहां ले आएंगे, अपोन में। अगली लाइन में क्यू को ले गए डब्ल्यू के नीचे और ये रह गया क्यू अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये क्या है, ये इक्वल है किसके, पोटेंशियल के। तो जो फॉर्मूला बना पोटेंशियल का वो क्या हो गया, V is equals to Q upon में 4 pi epsilon node R। ये है हमारे पास फॉर्मूला इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसी पॉइंट पे ड्यू टू सोर्स चार्ज। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, रिवाइज करते रहना आपको चीजों को, तभी चीजें क्लियर होंगी।